आज हम लोग अहमद भाई को उठाने वाले हैं, ईमान उठाएगी अहमद भाई को व्लॉग के लिए। क्या हो गया? अच्छा जी लोग, हाँ आज तो व्लॉग बनाना है। अरे बनाओ। पहले जाएंगे सैफ भाई के पास, गाड़ी यहाँ पर आएगी, उसके बाद हम जाएंगे अपनी वर्कशॉप पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, बाकी रोड का क्या मंजर है, और हफ्ते का भी दिन है आज, और हो सकता है जो व्लॉग जो आ रहा तकरीबन लेट नाइट आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आज, शाम की भी चीज़ हैं और रात की भी चीज़ें हैं इसमें, और कहाँ जो आज निकलने का प्लान है, अब बाहर तक तो आ चुके हैं ये सारे, देख रहे हो सारे सारे आए हैं। ये बेचारा हमारा कैमरामैन थे, ये वीडियो बनाता रहा, बाकी हम तीनों ने एंजॉय करते रहे। तो अब खैर हम जा रहे हैं बाहर, और बाकी आपको वहाँ पहुँच कर दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। सर पहले तो सैफ भाई के पास जाएंगे, कोई गाड़ी निकाले सुकून से आराम से, हम उस पर लेते हैं आराम करते करते हम जाएंगे अपने वर्कशॉप, देखेंगे वहाँ हो क्या रहा है, फिर आपको वहाँ पहुँच कर दिखाते हैं कि क्या सीन है वहाँ पर। तो अभी अभी जो है फाइनली जो है हम लोग दुकान पे पहुंच गए हैं, गाड़ी भी अभी बंद कर दी क्योंकि तो गर्मी भी आज मुझे लग रही है, लेकिन फिर भी जैकेट पहनी हुई है मैंने, और अब दिखाऊंगा मैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है दुकान के ऊपर आज। तो सबसे पहले हम जो है गाड़ी से उतरने का बोलते हैं, सोचते हैं, मिल गए सोच रहे हैं। ये है अपनी जो है वर्कशॉप है ये, और ये देखो ये हमारे जो है ना टुल्लू मुल्लू सारे काम कर रहे हैं मिलवाते के। अस्सलाम वालेकुम भैयो, क्या हो रहा है ये? सबसे पहले मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपका नाम क्या है, पहले नाम बताओ। मेरा नाम है मुजफ्फर, आशु आशु बोलते हैं। आशु आशु बोलते हैं। ये किस गाड़ी का, ये इंजन विंजन है? नहीं, ये गियर है 200। अच्छा, ये इन्होंने नाम बताया नहीं, आगे भाग, मतलब इनको आगे भागने का बड़ा शौक है। हाँ, क्या नाम बताएं पहले? मेरा नाम तैयब है। तैयब है, 200 का काम पता है ना तुम्हें कैसा होता है? ये अपने आपको भी उस्ताद बोलते हैं। अच्छा, ये इन सबका जो अब्बा, मतलब अब्बा नहीं बोलते अंदर, जो ऊपर के होते हैं ऊपर लेवल वाले राइट वाले, वो ये काम पे लगे हुए हैं। चलो अच्छा है, काम करो पूरा दिन आज, मैं तुम लोगों के साथ तफरियाँ करते रहेंगे। आप कैसे हैं भाई? अच्छा, आपको नहीं देखा, वही शर्माते हैं। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये देख लो, अकेले अकेले इन्होंने क्या खाए, ये गोलगप्पे खा रहे थे, पूछा भी नहीं, देख रहे हो ऐसे दौर आ गया है। और देखो बच्चे भी सुबह सुबह आए हैं, इस तो यहाँ ने देखो कपड़े गंदे करे हैं अपने, ये देख रहे हो। क्या देख रहे हैं सयाम? ये देखो ये दोनों रावड़ी रावड़ी, हमें तो कद्दू समझ में नहीं आ रही, रावड़ी रावड़ी आपस में ही अब्बा बेटे बातें कर रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रही। देखो ये देखो इसके फेस इंप्रेशन देखो, वही तुम क्या देख रहे हो? चाशू को देख ही नहीं रहे हो? ये एक कारिंदा हमारा ये आया, ये कारिंदा, ये देखो ये इन सबको बता रहे कि करना क्या है। ऐसा लग रहा है ये दोनों तीनों यहाँ बैठ के चिल्ला काट रहे हैं, गियर बक्से के साथ चिल्ला काट रहा है। ये देख रहे हो पांचों लगे हुए, ऐसा लग रहा है नहीं है वो कुर्बानी का गोश्त काट, गाय काट रहे हैं, गायें बकरा काट रहे हैं मिलके सारे के सारे, देखो ज़रा। देखो दूसरा ये रहा,
हमें तो कद्दू भी समझ में नहीं आ रही, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। अजान का भी टाइम हो गया है तो अजान के बाद फिर आपसे मिलते हैं। एक गंदा बच्चा रो रहा है। ये देखो भाई रोतू बच्चा, ये रोएगा। ये खामोशी तो खेल रहा है और ये रो रहा है। जगह चुप हो गया फौरन भाई को देख कर। अब जो है ये लाइट का सीन जो है सोचने लगा दे तो मतलब हम लगा रहे हैं तो वो चली जरा बोले लगा के ए भाई बोले चली कद्दू आपको आना पड़ेगा। मैंने उठाओ तो सही, कैसे लग रही है जगह पे आपको? आ रही है भाई नीचे 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 रखो। अरे उधर जाप फिट कर रहा था मैं यहाँ और ऊपर बस सही है यहाँ कैसे लगेगी अंदर जाएगी ये वो इतना दिमाग हमने चला लिया लेकिन उस्ताद उस्ताद उतना क्या हुआ आओ एंट्री मारो इनकी भी एंट्री लो पट्टी खुलेगी फिर लगेगी खाना वाना खाएंगे फिर। तो थोड़ा सा गाड़ी में काम हो रहा था, असर का टाइम होने वाला है और खाना भी जो है हम लोग बस खाना है वो ले लें, बंदा लेने ही गया था खाना। और ये फिर लाइट लगेगी और ये देखो जो है हमारे टायर ढीले हो रहे थे वो टाइट हो रहे हैं लगे हुए, उसके बाद ये लाइट भी लग जाएगी। अगर आज लाइट नहीं लगी तो ये है कि कल तक इंशाल्लाह लाइट लग जाएगी, क्या पता आज ही लग जाए मना कल लग जाएगी। अच्छा जो एक कारिंदा है ना हमारा वो है गाड़ी के नीचे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखे फ़ौरन सही हो गया जब पता चला ना कि वीडियो बन रही है, फ़ौरन सीधा ले लिया काम कर बेटा। ये देखो ये कर क्या रहा है, और ये देखे इसका, ये देखे नाड़ा दिख रहा है, ये गियर फिट कर रहे हो। अच्छा कौन सी गाड़ी है ये? 200 इसका अभी गियर देखा था ना आपने? जी ये वही गाड़ी है। अच्छा ये वही गाड़ी है, तो भाई गियर जो है फिट हो गया है भाई, फिट हो गया है गियर जबरदस्त भाई। ये निकल के मारा ये वहाँ क्या दूसरा गियर लगाने आ रहे हो? एक जो है हमारे जो है हसनैन मस्जिद के मोहसिन साहब हैं वो देते हैं तशरीफ लेकर आइए देखें ज़रा, तशरीफ लेकर आए हैं तो मुलाकात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह क्या वीडियो बना रहे हैं इसकी? ये बस आपको बुलाया और आप आ गए हमारे पास, ये बना रहे हैं वीडियो। अच्छा कारी साहब की फेस इंप्रेशन चेक करना, वो डायरी को देख रहे हैं, मुझे देख ही नहीं रहे, ये क्या बात है? नहीं गाड़ी है ना इसलिए देख रहे हैं। अच्छा गाड़ी हमारे काम करो ऊपर जाना पड़ रहा है तो भाई देखो खाना तो होना चाहिए, अगर पूरा दिन बंदा काम कर रहा तो खाना ना बोल दियो, तो खाना वाना तो खा लिया है। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, देखते हैं क्या सीन है गाड़ी। सारी गाड़ियों के सामान तकरीबन शराड़ो, अच्छा शराड़ी में तो मैंने सुना है कि बड़ा शॉर्ट सामान होता है मिलता नहीं है, और इसी तरह डार्सन का सीन है। और अगर जिसने
डार्सन ली भी हो या शेरार ली भी हो, छः हज़ार में पार्ट्स मिल जाएंगे, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये है दो गाड़ियों का हमने भाई से सवाल कर रहा था, सवाल खुद आप बताएंगे कि सवाल जो अपना सवाल सही था या नहीं। तो इजाज़त है, देने भी वाला हूँ तब भी करेंगे हम चाहेंगे। जब आ गया सर वो गाड़ी मैंने सुना है वो बिना टायर के वो यही चीज अगर थोड़ा कंपनियाँ ले लें तो चलते हैं। गए असलान भाई ना कहीं जा रहे हैं, कारीगर से बात बात करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ से बात करें। एक वो बैठे हुए ऐसे घीस रहे हैं जैसे जो है अपना कोई अपना क्या बोलते हैं लड़की को मेकअप कर रहे हैं। आपको मैंने वहाँ पर भी दिखाया था अपने जो रोड वाला था, हम यहाँ से चलते हैं लोग, लेकिन बड़ा परेशान है। चार जाते तफरी लेते हैं, बोलते हैं कि पैसे दे दो, पैसे नहीं है हमारे पास खाने को। तो गाइस अभी हम लोग रोक रहे हैं बाइक वाले को, उसको देखते हैं क्या डिसीजन रहते हैं उसके। तो अभी आसान भाई खड़े हैं रोड पर, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस दो लड़के आ रहे हैं, अहमद भाई बोले हैं, उनको पकड़ के लिपटते हैं अभी, थोड़ी तफरी अफरी करते हैं मतलब, फिर आपको दिखाते हैं ठीक है। दो लड़के आ चुके हैं, तो आसान भाई ये खड़े हैं, अभी देखते हैं क्या होता है आगे, देखें। तो गाइस ये दो लड़के तो वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे, आ रहे आ रहे। डिमांड करती मैंने, बाकी देखते देते नहीं। अबे तेरी नहीं नहीं रख भाई, रेडी है। तो भैया उस बात के बाद आज हम जाने तो दिवाली के मोहब्बत में क्या काम होता है, ये है उस बात की जगह जरा उस बात काम करते हुए वो गए थे काम करने, चलो हम ये उनके सामने। जो है हम अब गाड़ी से बाहर आ गए हैं, ये देखो एक तो भाई ऐसे लेटा हुआ है जैसे पता नहीं, वालेकुम सलाम, जैसे पता नहीं ये क्या कर रहा है, लेट के क्या कर रहा है ये समझ। आप लोग कमेंट में बताना ये लेट के कर क्या रहा है। अब आ जाओ इस पे, देखो ये भी लेटा हुआ है। अच्छा इनको इनको जो है ना बड़ा लेटने का बड़ा शौक है, इन दो बंदों को। सहल शक्ल नहीं दिख रही तुम्हारी, बाद में दिखाएंगे। ये गाड़ी में काम चल रहा है, यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा कुछ, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। हमारा रोड है, फाइनली जो है 8 बज चुके हैं और आपके सामने हालत हो रही है।
पहली बात है सुबह से जब व्लॉग करेगा बंदा तो क्या हालत होगी तो आप लोग देख सकते हैं। और एडिट भी सारी बात है हाथ के हाथ ही कर रहा था, क्योंकि व्लॉग ऐसी चीज़ है कि बंदा हाथ के हाथ अगर एडिट करता नहीं ना, कि सुबह के शॉट है, दोपहर के शॉट है, शाम के शॉट है, रात के शॉट है, तो जल्दी एडिट हो भी जाता है। तो यही सीन चल रहा था सुबह से लेके और अभी तक का। बाकी आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा हमारी रूटीन क्या हो रही है आजकल। दो तीन दिन से तो यही हो रही है रूटीन जो आपको दिखा रहे हैं हम। तो पसंद भी आ रही होगी कुछ लोगों को, कुछ लोगों के आग भी लग रही होगी, कुछ लोग बेचारे मोहब्बत भी दे रहे होंगे, प्यार भी दे रहे होंगे, और कुछ लोग जो है ना पिल्ले जल भी रहे होंगे। तो देखो हम जो है ना, हमारी ये क्वालिटी है चलने वालों को हम और जलाते हैं। हाँ, मोहब्बत दोगे, प्यार दोगे, इज्जत दोगे तो हम भी देंगे, नहीं दोगे तो उल्टा घुमा के फिर लाद देंगे। तो ये हमारा सीन है।